नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी न्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है और बहुत अच्छी ये न्यूज़ है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि 100 लाख करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार करने वाली है। आज ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है और लगभग 7,000 प्रोजेक्ट ऐसे चूज़ किए गए हैं जहाँ पे कि ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो आज के इस न्यूज़ में इसी टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि किन किन स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, किस स्टॉक्स को इनका फ़ायदा हो सकता है। इससे पहले आप लोगों को पता है कि सरकार क्या कर रही है कि कोविड-19 जो ये पेंडेमिक था उससे उभरने के लिए फार्मा सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई थी। अब फार्मा सेक्टर के बाद यहाँ पे इंफ्रा सेक्टर को काफ़ी अच्छा खासा पैकेज ये मिला है। 2025 तक ये 7,000 जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होने हैं और 100 लाख करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आपको भी जैसे पता होगा, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या कोई भी गुड्स आपके पास पहुँचता है, जैसे कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया या आप खुद घर पे दूध पी रहे हैं, जैसे दूध मंगा रहे हैं या कोई भी कमोडिटी है मंगा रहे, उसके लिए क्या चाहिए? रोड्स चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। बिना रोड्स के कुछ नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए दूसरा, जैसे कि रोड्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। इंफ्रा में इतनी सारी चीज़ें आती हैं हमारे चारों ओर, आप लोग खुद देख सकते हैं। टेबल कुर्सी में आप लोग बैठे होंगे वो भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड्स हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, आज की डेट में जैसे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो सारी जगह से अगर हम लोग देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मतलब इकोनॉमी की बैकबोन मैं कहूँगा इंफ्रा सेक्टर को, मतलब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा, तभी जाके जो जितने भी सारी कंपनीज हैं अच्छे से काम करेंगी, ग्रोथ करेंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो चलिए न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एड्रेस किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की डेट में। आप लोगों को पता है कि 74th इंडिपेंडेंस डे है आज। रेड फोर्ट से उन्होंने ये कहा आज की डेट में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और किस में किया जाएगा? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। जी हाँ, इसकी जो आउटलाइन थी वो पहले ही डिसाइडेड की गई थी और लेकिन ये जो घोषणा की गई आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है। उनका ये कहना था कि आज की डेट में हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके डेवलपमेंट को एक नई डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें हमारे देश को एक मॉडर्निटी की तरफ ले जाना है, एक मतलब डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जाना है, विकास करना है अपने देश का, तो उसके लिए हमें एक नया डायरेक्शन देना होगा। किसको? ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को हमें क्या देना होगा? एक नया डायरेक्शन देना होगा, तभी जाके हम हमारी इकोनॉमी को और हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है ये भारत, इसको मॉडर्निटी की तरफ लेके जा पाएंगे एक फास्ट पेस में। और ऐसे भी नहीं है कि किस पेस में, फास्ट पेस में। उन्होंने कहा कि तेज गति से अगर हमें ले जाना है तो ये सारी चीज़ें करनी होगी। उनका कहना था कि दिस नीड विल बी मेट थ्रू द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। उनका कहना है कि जो ये नीड है, ये ज़रूरत है, इसको कंप्लीट किया जाएगा, इसको फुलफिल किया जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। बीच में आप लोगों को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, लगभग 7,000 प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट किए जाने हैं और जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं, जितना भी ये अमाउंट है, ऑलमोस्ट इसका 76 to 78% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो
तो वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां करेंगी, जैसे कि सरकार करेगी या राज्य सरकारें करेंगी, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, और जो बचा हुआ हिस्सा है ऑलमोस्ट 24-25% का, वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। इस तरह से पहले से ही यहाँ पे इस तरह से आउटलाइन बनाई गई, ये जस्ट आउटलाइन है, लास्ट में क्या चीज़ें होती है, क्या डिसाइड करती है सरकार, वो तो अलग बात है, लेकिन इस तरह से ये पहले से डिसाइड किया गया है। उनका कहना था कि आज की डेट में हमारे पास ऐसा टाइम आ गया है कि जब हमें इलिमिनेट करने हैं सिलोज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सिलोज का मतलब होता है कि पिलर, जो हमारे रास्ते में रोड़ा आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट, जो रोड़े आ रहे हैं उनको हटाना है हमें यहाँ से। एंड ए बिग प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो एक ऐसा प्लान, बहुत बड़ा प्लान हम लोगों ने बनाया है, जो कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द इरा ऑफ एलिमिनेटिंग सिलोज इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ कम। उनका कहना है कि आज के समय में टाइम आ गया है कि जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जितने भी सिलोज हैं उनको हटाना है, दूर करना है। फॉर दिस ए वेरी बिग प्लान हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू कनेक्ट द इंटायर कंट्री विद द न्यू मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनका कहना था कि आप एक बड़ा प्लान हम लोगों ने बनाया है कि जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे कि पूरी कंट्री को एक नए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ेंगे, और तभी जाके जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा होगा। यहाँ देख लीजिए, ही सेड द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 7,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू ऑफसेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक। देख लीजिए, उन्होंने क्लियरली कहा कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है पेंडेमिक का, कौन सा पेंडेमिक का, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस की वजह से जो पेंडेमिक आया था और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है, उसको ऑफसेट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा लगभग 7,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या कर लिया गया है, आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। और इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल मैंने आप लोगों को पहले बताई कि किस तरह से यहाँ पे काम होना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दो लिंक दिए गए हैं, एक एंजल ब्रोकिंग का, एक जीरोदा का। दोनों के दोनों जो हैं जीरो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, और साथ ही साथ आप लोगों से इंट्राडे के लिए ₹20 पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। दोनों की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है दोनों के दोनों, और यहाँ पर आप लोग अकाउंट ओपन कीजिए अगर बिगिनर हैं तब भी कर सकते हैं, और स्विच करना चाहते हैं अगर आप लोग तो यहाँ पे लिंक पे जो है क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। और साथ साथ जैसे ही क्लिक करेंगे, नंबर डालेंगे, तो आप लोगों को कॉल आ जाएगी ब्रोकरेज की तरफ से। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताना चाहूँगा जो कि फोकस में रहने वाली हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ये रिलेटेड कंपनियाँ हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। हो सकता है कि कुछ कंपनियाँ रह गई हों, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कंपनियाँ भी हैं जो कि मतलब इस लिस्ट में आ सकती थी। KEC इंटरनेशनल, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रहा था, जब ये शेयर लगभग 191 रुपये के आसपास चल रहा था तब से कह रहा था, और आज की डेट में ये शेयर लगभग 290-295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। KEC इंटरनेशनल मेरा खुद का फेवरेट ये शेयर है। लार्सन एंड टुब्रो, दिग्गज है ये, बब्बर शेर कहा जाता है इसको। किस सेक्टर का? इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा जो शेयर है, सबसे बड़ी जो कंपनी है, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इस कंपनी का पूरा नाम है। L&T के नाम से ये शेयर आप लोगों को मिल जाएगा, दिग्गज शेयर है। RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, जी हाँ, ये गवर्नमेंट का आप लोगों को पता है PSU है और रेलवे के लिए ये काम करता है। अगेन इरकॉन इंटरनेशनल, सेम, ये भी PSU है और ये भी सरकार के लिए काम करता है। NCC लिमिटेड, ये भी सेम क्या है, गवर्नमेंट का ही ये PSU स्टॉक है और सरकार के लिए काम करता है। तो इसी तरह से मैंने एक और लिस्ट बनाई है कंपनियों की, जहाँ पे कि आप लोग फोकस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई बाय या सेल आइडिया नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे फोकस रहेगा और इन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है और चाइना की जो कंपनियाँ थी, चाइना की, उनको क्या किया गया है, बैन किया गया है। तो अपनी देसी कंपनियों को फायदे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड है, जैसे आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड है, जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड है, इसी तरह से नागार्जुन कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी है और जीवीके पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है। इसी तरह की कई सारी कंपनियां भी हैं जो यहां पे आ सकती हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में जो जो कंपनियां थी वो मैंने यहां पे लिस्ट आउट किया है। अगेन एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने ये तोहफा दिया है। एक तरह से आप लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट सेक्टर या पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिछले 2-3 सालों से अच्छे से काम नहीं कर रहा है और इसके जो शेयर हैं वो भी नीचे ही अभी मिल रहे हैं, चीप वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट सभी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से कि फार्मा सेक्टर को भी अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।